नहीं बाहर से कोई लोग नहीं आए, नहीं यहाँ के थे, इस साइड में हिंदू थे, इस साइड में यहाँ के थे, इस साइड मोमन, इस साइड के थे, पत्थर इस साइड से फेंके, उस साइड से फेंके, उधर हिंदू इधर मुस्लिम। यहाँ भी ये मुसलमान शाहीन बाग बनाना चाहते थे। शाहीन बाग में हो क्या रहा है? शाहीन बाग में जैसे धरना पे बैठे हैं, सोच रहे यहाँ भी ऐसे ही बैठ जाए, यहाँ भी मांग करे, पर यहाँ बैठने नहीं देंगे हिंदू लोग। अच्छा, ये धरने पे क्यों लोग बैठे हैं? आपको पता ही चल गया होगा। यही है NCR के चक्कर में जो भी है सब कुछ, पर यहाँ नहीं होने देंगे ऐसा। क्यों, क्या बात हो गई? हम लोग भाई भाई नहीं है यहाँ, भाई भाई नहीं है यहाँ, ये खुद नहीं कर रहे भाई बहन। हम तो है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं रहे इन्हें रखने में, पर ये खुद ये दिक्कत करते हैं। हमने शुरू नहीं करा, सबसे पहले शुरू नहीं कराए, पेट्रोल पंप में आग लगाई सबसे पहले इन्होंने, जब यहाँ हमारी दुकानों पे तोड़फोड़ कराया ऑफिस पे, हमने किसी ने कुछ नहीं करा पहले, फिर हमने उसके बाद इनका वो जलाया था। काफी नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा हिंदुओं का नुकसान है सबसे ज्यादा। यहाँ से बस खाली मुसलमानों ने इस लाइन का जलाया, जो भी जलाया है, जो हिंदू की थी बस मुसलमानों ने। और हिंदुओं ने कौन सी लाइनें जलाई? हिंदुओं ने जो मुसलमान की थी वो जलाई है। मैंने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार देखा है। मैं शुरू से, मैं प्रॉपर डेली आइट हूँ, हम प्रॉपर हमारे यहाँ पे कई सौ सालों से गांव बस रहे हैं, हम यहीं के हैं प्रॉपर, हमने भी कभी नहीं देखी ये चीज़ें और हम इस चीज़ें बिलीव नहीं करते। हमारे खुद के वर्कर्स मुस्लिम हैं, हम सपोर्ट करते हैं सबको, वी आर ए सेक्युलर पर्सन, लेकिन हमें जब ऐसा खुद दूसरी तरफ से होगा तो फिर हम, वो हम नहीं थे कि जिन्होंने पत्थर फेंके, ऐसा पर्टिकुलर मैं इंसान नहीं था या कोई नहीं था, लेकिन एक वही होता है कि रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स मिलता है वापस से, वही सब हुआ है यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट जो भी इंप्लीमेंट कर रही है, जैसे कि CAA NRC, तो ठीक है, वी शुड एक्सेप्ट दैट एक्ट, वो सब पे लागू होगी, ये नहीं कि सिर्फ मुझ पे ही होगी या तुम पे नहीं होगी, तुम पे भी लागू होगी वो चीज़। तो सीधी सी बात है जी, हम तो एक ही बात कहते हैं, इन्हें 10% और दे दो और पूरे को शाहरुख को वहीं भेज दो, हमें तो अपना हिंदू देश बनाना है। सीधी बात हमारी, सो बात की एक बात ये है जी, अलग ही कर दो सब, हमने पाकिस्तान में तो अलग ही दिया था ना, पता हिंदुस्तान, तो 10% जगह और दे दो इन्हें, तो फिर इन्हें अलग ही कर दो, हम यहाँ हमारा हिंदू राष्ट्र बना दो अपना अलग, और इन्हें अपना हमारे देश से अलग ही कर दो बाहरी। और ये लोग काफ़ी बगावत पे उतर आए हैं और ये मान के चलो मार काटने की बिल्कुल तैयारियाँ हो रही हैं इनकी तरफ से। सबसे पहले जो है इस गाड़ी को आग लगाई गई, उधर से पथराव चालू किया गया, फिर पंप को लूटा गया, पंप में आग लगाई गई, एकदम सारे हिंदू जो है सब सोए हुए थे, इधर उधर गए हुए थे, सब अपने काम पे थे। जब पुलिस फोर्स पे इन्होंने पथराव करा तो पुलिस फोर्स हमारे घरों में आई, फिर हमने उन्हें सहानुभूति देते हुए हम लोग आगे बढ़े, काफ़ी लोगों के चोट भी आई हैं। कि 3 दिन हो गए, 3 दिन में आपने क्या किया? जो काम आपके पास 1 घंटे में हो सकता था उसे 3 दिन तक कंटिन्यू करवाया। मीडिया और वर्दी, दो देश के इतने बड़े स्तंभ हैं, ये अपना रोल सही से निभाएं तो इतना बड़ा तांडव तो असंभव है। छोटे बच्चे का खिलौना छीनने की किसी की हिम्मत ना हो।